हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्थान सबसे पहले नंबर पर है आपका कृषि कुंभ 2018, जिसका आयोजन किया गया आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के उपयोग किए जाने के उद्देश्य से इस कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। इस कृषि कुंभ में लखनऊ उत्तर प्रदेश के साथ सहयोगी राज्य के रूप में थे आपके हरियाणा और झारखंड इस कृषि कुंभ में सहयोगी राज्य थे, जबकि आधिकारिक तौर पर इसराइल और जापान आधिकारिक तौर पर इस कृषि कुंभ में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, कृषि कुंभ 2018 जिसका आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, देश का पहला जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है आपका बदरगढ़ उड़ीसा में आपका एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जहां पे धान की भूसी से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा तथा उस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके एक जैव ईंधन डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि देश का पहला जैव ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बदरगढ़ उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपका प्रयागराज। देखिए, सबसे कॉमन चीज़ है, आप सभी इसे पढ़े होंगे, लेकिन पीएससी और व्यापम के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ भी दे, लेकिन आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जाने की तो उम्मीद आप नहीं कर सकते कि किस शहर का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रखा गया, आप सभी को पता ही है। लेकिन जब कभी भी आप ऐसे कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आप उसके थोड़े हिस्ट्री में जाइए, इसका नाम चेंज किया गया तो क्यों चेंज किया गया, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। जैसे आपको देखिए, इसका स्टोरी कैसा है, आपका ये जो प्रयागराज है इसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। जैसे आप सभी को मालूम ही होगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो यूपी, बिहार और दिल्ली, इन तीन जो राज्य है, इन तीनों राज्यों के इधर इर्द गिर्द आपकी इंडियन हिस्ट्री घूमती है। तो जाहिर सी बात है, यदि इस शहर के नाम परिवर्तित हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी। जैसे देखिए, सबसे पहले है आपका हर्षवर्धन, जो कि आपका वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के थे। हर्धन वंश जिनकी राजधानी थी पहले थानेश्वर, जो कि थानेश्वर से अपना राजधानी परिवर्तित करके लाते हैं कन्नौज में। तो जो हर्षवर्धन ने अपने कार्यकाल में दो बार धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया था। दो बार दो शहरों में उन्होंने धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। पहला शहर था आपका कन्नौज, जो उनकी स्वयं की राजधानी थी, जबकि दूसरा शहर था आपका प्रयाग। तो जो कन्नौज शहर में जब उन्होंने पहली बार धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था तो उसकी अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग ने, जबकि इन्होंने हर्षवर्धन ने दूसरी बार धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था इसी प्रयाग शहर में। प्रयाग शहर जो कि आपका गंगा और यमुना का संगम है, तो इस प्रयाग शहर में हर्षवर्धन ने दूसरी बार अपना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस धर्म सम्मेलन में हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपनी संपत्ति को पूर्णतः इस प्रयाग वाले धर्म सम्मेलन में दान कर दिया था, तथा प्रयाग में जो आयोजित किया था धर्म सम्मेलन उसका नाम रखा था उसने मोक्ष परिषद। ठीक, उसके बाद इसका नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा, जब आपका अकबर जो कि इस एरिया में आके लगभग बस गया था आपका 1774-75 के आसपास, यूपी बिहार के इस एरिया में आकर के वह बस गया था तथा एक किले का निर्माण कराया। इस शहर में किले का निर्माण उसका पूर्ण हुआ वर्ष 1583 को। इस 1583 से पहले 1582 को अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम था आपका दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर ने चलाया था। उस दीन ए इलाही के इलाह शब्द, इलाह का एक्चुअल अर्थ होता है अल्लाह, तो उस दीन ए इलाही के इलाह शब्द से ही इस शहर का नाम उसने रखा था इलाहाबाद। तो याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद शहर को बसाया किसने था, अकबर ने, और इलाहाबाद शहर का नामकरण कब रखा गया या इलाहाबाद शहर को कब बसाया गया या इसका नामकरण अकबर ने कब किया, तो यह है आपका 1583। ठीक है, तो ऐसे यदि कोई नाम परिवर्तित हो रहे हैं तो उसके थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी थोड़ा समझते चलिएगा कि उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। जैसे अभी कल ही का एक न्यूज़ है कि फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रख दिया गया, तो उसकी भी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसमें पता कीजिए कि फैजाबाद शहर को किसने बसाया था, क्या कारण है कि फैजाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किया जा रहा है। तो ऐसा थोड़ा बैकग्राउंड लेते हुए चलिए,
तो आपको क्या है, थोड़े आपके क्वेश्चन प्रिपेयर होते जाएंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट ये मत पढ़िए कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग करके प्रयागराज कर दिया गया, ऐसा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है आपका कोचीन, कोचीन केरल में। देखिए ये शुष्क बंदरगाह होता क्या है, शुष्क बंदरगाह यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे व्यापारिक जहाजों नौकाओं का निर्माण किया जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है, उनका देखरेख किया जाता है। तो ये जो शुष्क बंदरगाह होते हैं, ये जैसे कोचीन बंदरगाह है एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, वो समुद्र के किनारे बना हुआ है, लेकिन जो शुष्क बंदरगाह है वो ड्राई एरिया मीन्स ड्राई डॉकयार्ड, एक ड्राई एरिया में इनका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या है, जहाजों का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनका रखरखाव किया जाता है। समुद्र से इस जो आपका शुष्क बंदरगाह है उसे एक जलमार्ग के थ्रू जोड़ा जाता है। यदि कोई जहाज रिपेयरिंग के लिए आता है या कोई नया जहाज बनाना है तो उसे इस डॉकयार्ड में ला करके उसका निर्माण किया जाएगा, फिर उसी जलमार्ग के जरिए उसे एक समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह कहां स्थापित किया जा रहा है, कोचीन में। ठीक, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री क्रॉसिंग पुल, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री क्रॉसिंग पुल बनाया गया है या उसका उद्घाटन किया गया है चीन में। ये है, ये चीन के दो बड़े शहरों हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ के मध्य लगभग 55 किलोमीटर लंबा यह एक समुद्री क्रॉसिंग पुल है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री क्रॉसिंग पुल कहाँ पर है, चाइना में, किन दो बड़े शहरों को जोड़ता है, हांगकांग और मकाऊ को, कितना किलोमीटर लंबा है, 55 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट, नियुक्तियाँ, देखिए हाल ही में अभी देश के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है आपका तुषार मेहता। 2017 से ये सॉलिसिटर जनरल का पद खाली था, लेकिन हाल ही में नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं आपके तुषार मेहता जी। ये अटॉर्नी जनरल के बाद भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल के बाद भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में है तुषार मेहता। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। नेक्स्ट, सीबीआई के नए निर्देशक, जैसे आप न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे कि सीबीआई के दो प्रमुखों के मध्य सीबीआई घोटाला को लेकर के काफ़ी आंतरिक मतभेद चल रहे थे, जिसके पश्चात दोनों प्रमुखों को सीबीआई से निकाल दिया गया। तो सीबीआई के नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं आपके एम नागेश्वर राव, सीबीआई के नए निर्देशक कौन है, एम नागेश्वर राव। ठीक, नेक्स्ट, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा, महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ पे भी ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या था कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो विक्रम सिंघे, दोनों के मध्य आपसी मतभेद के कारण श्रीलंका के राष्ट्रपति ने विक्रम सिंघे को उनके प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद नियुक्त किए गए नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इनका नाम याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड थे। नेक्स्ट, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आपका जेयर बोल्सनारो, जो कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक सदस्य राष्ट्र है, उनका जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है उनका आगमन गणतंत्र दिवस के अवसर में, 15 अगस्त के अवसर में अक्सर हमारे भारत में होते रहता है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो। ठीक, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम युद्धाभ्यास पे। पहले नंबर पर है आपका धर्म गार्डियन, जो कि युद्धाभ्यास है भारत और जापान के मध्य, यह एक थल सेना अभ्यास है। तो नाम याद रखिएगा धर्म गार्डियन, भारत और जापान की थल सेना के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है आपका जीमैक्स, देखिए जीमैक्स का फुल फॉर्म जापान इंडो मिलिट्री एक्सरसाइज 2018, जाहिर सी बात है इसके जो एक्सरसाइज है उसी में इसका नाम छुपा हुआ है, भारत और जापान के मध्य यह होने वाला यह समुद्री युद्धाभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोप इंडिया 2018, यह एक वायुसेना अभ्यास है भारत जापान और यूएस की वायुसेना के मध्य यह होने वाला एक युद्धाभ्यास है। किस नाम से है, कोप इंडिया 2018। नेक्स्ट है आपका सहयोग होपटेक, जो कि भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला एक समुद्री युद्धाभ्यास है। देखिए सभी नाम याद रखिएगा, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, पीएससी तो नहीं लेकिन व्यापम अक्सर इस युद्धाभ्यास से प्रश्न उठाता है। तो सहयोग होपटेक
भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला एक समुद्री युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है आपका ड्रुजवा थर्ड। ड्रुजवा थर्ड यह पाकिस्तान और रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। रूस जो कि भारत का एक मित्र राष्ट्र है, भारत का मित्र राष्ट्र होने के बावजूद उसने पाकिस्तान के साथ अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की। तो याद रखिएगा ड्रुजवा जो कि पाकिस्तान और रूस के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम पुस्तकों की ओर। देखिए सबसे पहले नंबर पर चर्चित पुस्तकों में है आपका स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस से आप में से बहुत लोग परिचित होंगे। यह एक साइंटिस्ट है जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में ब्लैक होल से संबंधित इनकी अध्ययन काफ़ी चर्चा के विषय में रही थी, जिनका अभी पिछले साल ही इनका निधन हुआ है। तो स्टीफन हॉकिंस इनकी मृत्यु के पश्चात इनके द्वारा इनकी जो अंतिम पुस्तक है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन स्टीफन हॉकिंस की अंतिम पुस्तक जो कि उनके मरने के पश्चात अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। इनका जो पुस्तक है उनका नाम याद रखिएगा, स्पेशली स्टीफन हॉकिंस जिनकी पुस्तक का नाम है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। नेक्स्ट एना बर्न जिनकी उपन्यास मिल्कमैन को मैन बुकर 2018 के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एना बर्न जो कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम आयरिश महिला यानी आयरलैंड की प्रथम महिला है। एना बर्न तथा इनकी पुस्तकों दोनों को याद रखिएगा, ये मैन बुकर पुरस्कार से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रीमा हुजा जिन्होंने महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर के नाम से महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित करी है। ये हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप जो जंगलों में चले जाते हैं तो उस समय उनकी क्या स्थिति रहती है, क्या दशा रहती है, उसके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। ठीक, देखिए अब अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर है ट्रेन 18। देखिए ट्रेन 18 भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। लेकिन इसे याद रखिएगा, इसमें जो जो चीज़ बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें याद रखिए। ट्रेन 18 भारत की बिना इंजन वाली पहली ट्रेन है। इसके अलावा इसमें 16 कोच है। ये मत सोचिएगा कि ट्रेन 18 है मतलब इसमें 18 कोच है। ट्रेन 18 इसका नाम है। इसे विकसित किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। यह बिना इंजन वाला भारत का पहला ट्रेन है। इसका नाम ट्रेन 18 क्यों रखा गया, क्योंकि इसे स्वदेश में जो डिज़ाइन करके लगभग 18 महीने में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसे विकसित किया गया करके इसका नाम रखा गया है आपका ट्रेन 18। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन जिसे विकसित किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, जिसमें कुल 16 कोच है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसे 18 महीने में विकसित किया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आईसीजीएस वरुण यह एक तटरक्षक जहाज है जो कि स्वदेश डिजाइन पर आधारित है। इसका निर्माण पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने की है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है RNEL मीन्स रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने पहला तटरक्षक जहाज जिसका नाम है आपका ICGS वरुण। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंग्रिया। यह भारत का पहला लग्जरी क्रूज है। यह मुंबई से गोवा के मध्य अपनी सेवा देगा। यह जो अंग्रिया नाम रखा गया है, यह अंग्रिया नाम मराठा नौसेना के जो एडमिरल थे एडमिरल कान्होजी अंग्रे, और वहीं पर आपका मुंबई के आसपास एक अंग्रिया कोरल रीफ भी है, तो उसके नाम पर इसका संयुक्त रूप से उन दोनों के नाम पर इसी का नाम रखा गया है अंग्रिया। अंग्रिया क्या है, अंग्रिया भारत का पहला लग्जरी क्रूज है। ठीक, नेक्स्ट है पेटीएम द्वारा याहू जापान लिमिटेड दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जापान में QR कोड पर आधारित एक भुगतान है ना स्मार्टफोन से, जैसे आप पेटीएम से भुगतान करते हैं स्मार्टफोन के जरिए से QR कोड रहते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो पेटीएम है उसने जापान की जो कंपनी है याहू जापान लिमिटेड उसके द्वारा संयुक्त रूप से उसने QR कोड भुगतान पेपे के नाम से वहाँ पर लॉन्च किया है। याद रखिएगा पेटीएम एंड याहू जापान लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से QR कोड भुगतान प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट है दिशा। यह IRCTC द्वारा
विकसित किया गया सामान्य समस्याओं एवं सामान्य प्रश्नों को हल करने वाला AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक प्रणाली है। जैसे IRCTC को यदि आप उसका वेबसाइट यूज़ करते होंगे तो आजकल आप देखे होंगे कि IRCTC वेबसाइट के नीचे साइड एक हरे साड़ी में पहनी छोटी सी महिला दिखाई देती है, तो वो उसका नाम ही है दिशा। इसका एक्चुअल नाम है आपका आस्क दिशा। यदि आपको रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं या आपके कुछ बेसिक प्रश्न है तो वो सारी समस्याओं का निवारण या उसका आंसर ऐसे समझ के चलिए यह एक कस्टमर केयर सर्विस है जिसे IRCTC ने डेवलप किया है जिसका नाम है दिशा या आस्क दिशा। ठीक, नेक्स्ट है आपका BS6 प्रणाली पर निर्मित जो भी गाड़ियां होगी या BS6 मापदंडों पर निर्मित जो भी आपकी वाहने होंगी वो 1 अप्रैल 2020 से मार्केट पर उपलब्ध होगी। यानी वर्तमान में जो BS4 मीन्स भारत स्टेज 4 के मापदंडों पर जो भी गाड़ियां अभी वर्तमान में बिक्री की जा रही है तो उनकी बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 से। तो याद रखिएगा BS4 भारत स्टेज 4 प्रणाली के मापदंडों पर निर्मित जितनी भी वाहने हैं उनकी बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 से, तथा 1 अप्रैल 2020 से ही आपका भारत स्टेज 6 BS6 प्रणाली की गाड़ियां बाजार में आएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका GI टैग। इसमें देखिए, इसमें ये डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2020 वाला। ठीक, नेक्स्ट है आपका GI टैग। GI टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेतक। यदि किसी वस्तु की उत्पत्ति पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से हुई है या वह क्षेत्र उस वस्तु की उत्पत्ति के लिए फेमस है तो उस क्षेत्र को सरकार आपका GI इंडेक्स मीन्स जियोग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेतक का टैग देती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य कड़कनाथ मुर्गा की उत्पत्ति को लेकर के काफ़ी चर्चा में था ये चीज़। तो जो आपका मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कड़कनाथ मुर्गा की उत्पत्ति के आधार पर सरकार ने GI टैग कड़कनाथ मुर्गा का दे दिया है आपका झाबुआ जिले मध्य प्रदेश को। तो वैसे ही GI टैग ये अल्फांसो आम का GI टैग दिया गया है आपका कोंकण तट महाराष्ट्र। कोंकण महाराष्ट्र को अल्फांसो आम का GI टैग दिया गया है। अल्फांसो आम की उत्पत्ति या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अल्फांसो आम है यह अपनी अलग पहचान बनाता है। यदि क्षेत्रीय स्तर पर इस आम का नाम है हापुस आम जो कि अपने रंग सुगंध सभी के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है यह आम। तो याद रखिएगा कि अल्फांसो आम जिसका GI टैग दिया गया है कोंकण महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है शाही लीची का GI टैग दिया गया है मुजफ्फरपुर बिहार को शाही लीची का GI टैग दिया गया है। दोनों याद रखिएगा, अल्फांसो आम का दिया गया है महाराष्ट्र को, शाही लीची का दिया गया है मुजफ्फरपुर बिहार को। ठीक, नेक्स्ट है आपका खेल। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 जीता है सौरभ कोठारी ने। देखिए इनका नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, हमें बिलियर्ड्स में केवल एक ही का नाम याद है आपका पंकज अडवाणी जी। तो पंकज अडवाणी के साथ साथ इनका भी नाम याद रखिएगा, सौरभ कोठारी किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से। लेकिन हाल ही में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता कौन है, पंकज अडवाणी नहीं है, सौरभ कोठारी है। ठीक है, तो इनसे प्रश्न बनने की उम्मीद है। क्या है, इसमें ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें गलतियाँ हो, जहाँ हम बिलियर्ड्स देखते हैं वहाँ हम सीधा पंकज अडवाणी लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष में जीता है बजरंग पुनिया जिन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता महिला में पूजा ढांडा जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी यह जीता है मुंबई ने। ठीक, नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम। 36वां राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम्स जिसका आयोजन होगा आपका वर्ष 2019 को गोवा में। ये जो राष्ट्रीय खेल है 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल ये आयोजित होने वाला था हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो इस राष्ट्रीय खेल के लिए किसी प्रकार का प्रिपरेशन कम्प्लीट नहीं हुआ था उस समय, छत्तीसगढ़ में खेल का पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए जो ये जो आपका राष्ट्रीय खेल की जो समिति है उसने यह 36वां राष्ट्रीय खेल की आयोजन छत्तीसगढ़ से लेकर के दे दिया गोवा को। काफी पहले दे दिया था लेकिन अभी फिलहाल इसके डेट आए हैं। तो याद रखिएगा कि 35वें नंबर का हुआ था आपका 2015 में केरल को, अभी 36वें नंबर का हो रहा है आपका गोवा में। ठीक,
नेक्स्ट है आपका युवा ओलंपिक 2018, युवा ओलंपिक 2018 जिसका आयोजन हुआ है आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। किन्होंने कौन कौन सा पदक जीता वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका लोकेशन। तो याद रखिएगा युवा ओलंपिक 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। ठीक, नेक्स्ट पुरस्कार, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को आपका प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप इन एम एस स्वामीनाथन का नाम कई जगह पढ़े होंगे जब आप एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे। ये आपके एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के स्थापत्य या जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें पहली बार जो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रोफेसर स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक, नेक्स्ट आपका ग्लिटमैन पुरस्कार, ग्लिटमैन पुरस्कार प्रदान किया गया है मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई जो कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो उनका योगदान है उसे देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लिटमैन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है मलाला यूसुफजई को। ठीक, नेक्स्ट है भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन, मींस ट्रांसजेंडर क्वीन, भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन बनी है आपकी वीना सेंद्रे। वीना सेंद्रे, जो वीना सेंद्रे ये हमारी छत्तीसगढ़ की ही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के मंदिर हसौद से इनका संबंध है। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन कौन है, वीना सेंद्रे, जिनका संबंध कहाँ से है, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के मंदिर हसौद से। ठीक, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार इस साल 4 लोगों को प्रदान किया गया है लेकिन आपको एक का नाम याद रखना है, आसमा जहांगीरी। आसमा जहांगीरी जिन्हें पहली बार मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो आसमा जहांगीरी है इनका संबंध है पाकिस्तान से। तो याद रखिएगा मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार आसमा जहांगीरी को मिला है जिनका संबंध है पाकिस्तान से। एक इसे थोड़ा देख लीजिए, ये वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था लेकिन इसे यहाँ लिखा हूँ मैंने। देखो ये है आपका बेपी कोलंबो, बेपी कोलंबो यह एक उपग्रह है जापान और यूरोप के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह एक उपग्रह है जो कि बुध ग्रह के अध्ययन के लिए जाएगा। देखिए याद रखिएगा कौन से ग्रह का है, बुध ग्रह का, नाम क्या है, बेपी कोलंबो, दोनों चीज याद रखिएगा। बुध ग्रह में अध्ययन के लिए कौन सा उपग्रह भेजा जा रहा है, बेपी कोलंबो, किसके द्वारा विकसित किया गया है, जापान और यूरोप के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका रैंकिंग, रैंकिंग में पहले नंबर पर है आपका मानव पूंजी सूचकांक, मींस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसे थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा, इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या मानव पूंजी सूचकांक है, ये जो सूचकांक तैयार किया जाता है यह जीवन प्रत्याशा, जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के आंकड़ों को लेते हुए यह सूचकांक तैयार किया जाता है, मानव पूंजी सूचकांक 2018। इसे भारत का पोजीशन है 115वां। भारत मानव पूंजी सूचकांक या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में आपका 115वें स्थान पर है, इसे स्पेशली याद रखिएगा। इससे प्रश्न एक बार पीएससी भी उठा चुका है और व्यापम 2 बार उठा चुका है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह देश किसी भी देश की भूखमरी और कुपोषण के आधार पर यह रैंक तैयार किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें भारत का पोजीशन है आपका 103 नंबर पर है भारत। देखिए इससे रिलेटेड डाटा मैंने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे भेजा था लेकिन उसमें नीचे के कुछ डाटा है जो कि 2017 के हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 का था, आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2017 का था। ये आंकड़े अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं तो जो चीज़ मैंने उसमें शेयर किया था उसे थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। ये जो 2017 वाले हैं तो उसको 2018 करके अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत है आपका 58 पोजीशन पर। ठीक, नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी बनकर सामने आई है हमारी भारत की इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी इफको जो कि भारत की एक उर्वरक निर्माता कंपनी है। ठीक, तो दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी बनकर सामने आई है कौन सा, इफको। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा सौर बाजार, दुनिया का सबसे बड़े सौर बाजार के रूप में उभर कर आया है चाइना, चाइना फर्स्ट नंबर पर है जबकि हमारा भारत दुनिया में सौर बाजार के क्रम में सेकंड पोजीशन पर है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सौर बाजार है आपका चाइना का, सेकंड नंबर पर है हमारा भारत।
ठीक। नेक्स्ट है आईएमएफ रिपोर्ट। आईएमएफ की अभी हाल ही में एक नवीनतम रिपोर्ट आई है जिसमें 2018 में भारत का जो विकास दर है वो है आपका 7.3% रहेगा, जबकि अगले साल वर्ष 2019 में भारत का विकास दर रहेगा 7.4%। ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा, अभी हाल ही में ये आंकड़े अपडेट हुए हैं। तो आईएमएफ के अनुसार भारत का जो विकास दर है 2018 में रहेगा 7.3%, जबकि 2019 में रहेगा आपका 7.4%। इसी रैंकिंग में एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है आपका जापान का। पिछले साल तक सिंगापुर था, लेकिन इस साल दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है आपके जापान का। जापान के नागरिक अपने पासपोर्ट के जरिए दुनिया भर में 190 गंतव्यों पर आपका वीज़ा फ्री भ्रमण कर सकते हैं। यानी 190 डेस्टिनेशन ऐसे है जहाँ पे उन्हें भ्रमण करने के लिए किसी भी प्रकार का वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है आपका जापान। सेकेंड नंबर पर है सिंगापुर, जो पिछले साल तक आपका फर्स्ट पोजीशन पर था वो सेकेंड पोजीशन पर आ गया है, जबकि हमारा भारत है आपके 60वें स्थान पर। भारत के नागरिक अपने पासपोर्ट के आधार पर 60 ऐसे गंतव्य है जहां पर वीज़ा फ्री भ्रमण कर सकते हैं। तो भारत 60वें पोजीशन पर है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले पर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ समय पहले जो भारत सरकार ने आपके रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया था, इससे पहले भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देखे थे, लेकिन ये जो न्यूनतम वो खरीफ फसलों का था, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपके रबी फसलों का। देखिए, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसमें 105 रुपये की वृद्धि हुई है। 105 रुपये की वृद्धि हुई है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तथा गेहूं का वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य या 2018-19 में भारत जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है आपका 1840 रुपये, ठीक, 1840 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है चना। चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 220 रुपये की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 220 रुपये की वृद्धि हुई है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपके चने का 4620 रुपये प्रति क्विंटल। 4620 यानी 4620 रुपये प्रति क्विंटल है आपके चने का। नेक्स्ट है आपका सरसों। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपका 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, तथा इसी के साथ सरसों का वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपका 4200 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद है मसूर। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपका 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, तथा वर्तमान में मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 4475 रुपये प्रति क्विंटल। 4475 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान में मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप शुरू के इन तीनों को तो पहले याद रखिएगा, गेहूं, चना और सरसों। हम सभी यहाँ पे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य याद करते रह जाएंगे, हो सकता है पीएससी गेहूं का या चना इन दोनों में से किसी एक का पूछ सकता है। आप सभी को याद रखिए, ज़्यादा नहीं, चार ही आंकड़े हैं। गेहूं का है आपका 1840 रुपये प्रति क्विंटल, चना का है 4620 मीन्स 4620 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का है 4200 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का है 4475 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक। नेक्स्ट है निधन। हाल ही में अन्नपूर्णा देवी जी का निधन हुआ 91 वर्ष की अवस्था में। यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको सीजीपीएससी नोटिफिकेशन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, विविध यानी मिसलेनियस वाले सेक्टर से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यही मिसलेनियस वाले सेक्टर में कला, संगीत, खेल, ऐसे सेक्टर से पुस्तकें, जैसे हमने अभी निधन देख रहे हैं, इधर पुस्तकें देखी, तो ऐसे सेक्टर से अक्सर उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे फेमस पर्सनैलिटी कौन है आपके, स्टीफन हॉकिंस, वैसे ही अन्नपूर्णा देवी जी का भी नाम आप सुने ही होंगे। ये जो अन्नपूर्णा देवी है इनका संबंध है संगीत क्षेत्र से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। कोई भी नृत्य कला वाले या संगीत घराना वाले, उनका एक स्वयं का एक घराना होता है, तो जो इनका घराना है उनका घराने का नाम है मेहर घराने से संबंधित है ये। वाद्य यंत्र, यह सुरबहारा वाद्य यंत्र में यह पारंगत है। सुरबहारा यह बांस का एक सितार है, बांस द्वारा निर्मित एक सितार है, तो यह सुरबहारा इनके वाद्य यंत्र का नाम है जिसमें यह पारंगत थी। सुरबहारा वाद्य यंत्र में पारंगत थी कौन, अन्नपूर्णा देवी। उनका घराने का नाम क्या है, मेहर घराना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। 1977 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तथा 1991 में, इसे याद रखिएगा, ईयर के साथ याद रखिएगा,
1991 में अन्नपूर्णा देवी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार वर्ष 1991 में अन्नपूर्णा देवी को प्रदान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, यह प्रतिमा है किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई को याद रखिएगा, इस मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर। मीटर में पूछा जाए तो 182 मीटर, यदि फीट में पूछा गया तो 600 फीट। दोनों आंकड़े याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जा रहा है, उसकी ऊंचाई है 182 मीटर तथा यदि हम फीट में बात करें तो 600 फीट। ठीक, नेक्स्ट, अभी 31 अक्टूबर 2018 को इनकी मूर्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को समर्पित किया गया। तो ये जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। भारत में जो 31 अक्टूबर है उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जन्म जयंती के अवसर पर इनका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, 143वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल ये नहीं पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, इससे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। याद रखिएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों याद रखिएगा, तो देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकेशन क्या है? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है आपका साधुबेट द्वीप, नर्मदा नदी के एस्चुरी पर साधुबेट द्वीप पे आपका निर्माण किया जा गया है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। सरदार सरोवर डैम से कुछ ही दूरी पर है, नर्मदा नदी के तट पर, द्वीप का नाम है साधुबेट द्वीप। इतने सारी चीज़ों को याद रखिए। इसके साथ यदि और डीप में गया तो जैसे आप न्यूज़ में भी देखे होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा किस किस प्रतिमा से बड़ी है, जैसे आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके बाद स्प्रिंकलिंग टेंपल है जो कि आपका चाइना में है। तो ऐसे अलग अलग मूर्तियों की ऊंचाई है, तो आप ऊंचाई तो नहीं, लेकिन जैसे सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ पर है? हमारे भारत में है। वैसे ही स्प्रिंकलिंग टेंपल कहाँ है? आपका चाइना में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। तो ये जो जिन जिन प्रतिमा से ये ऊंची प्रतिमा बनी है हमारे भारत में, तो बाकी प्रतिमाओं का आप एटलीस्ट लोकेशन और उनकी ऊंचाई को भी थोड़ा बहुत उस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। क्या है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यदि प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है आपका मैच द फॉलोइंग में आपके सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्प्रिंकलिंग टेम्पल, ऐसे एक साइड देकर के उनके लोकेशन को मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो बाकी जो 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 प्रतिमा आप पेपर में देखे होंगे, मैंने उसको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था, तो वो सारी प्रतिमाओं का लोकेशन, उनकी हाइट और किस देश में वो स्थित है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें हमने अक्टूबर माह के करंट अफेयर पर चर्चा की, यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, CGPSC ई पाठशाला के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली मनाइए, सेफ दीपावली मनाइएगा। छुट्टियां लग गई है, आप अपने घर में होंगे, घर में होने के कारण आपकी तैयारियां थोड़ी लूज़ होगी, तैयारियां लूज़ मत कीजिएगा, तैयारियां बनाए रखिए। अगले साल का दीपावली आएगा, उसमें कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब लगा करके अपनी ही सैलरी से फटाके और कपड़े खरीद करके अच्छे से दीपावली मनाइएगा। तो तैयारियां बनाए रखिए, फेस्टिवल भी मनाइए। हैप्पी दिवाली।